जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों, एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है और उसका फॉर्म चालू भी हो चुका है। अभी हम आज 26 जुलाई के डेट में हैं और 21:52 हो रहे हैं, देख रहे हैं फॉर्म चालू हो चुका है। अब ऑफिशियल साइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, यदि आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन अपना किया हुआ है, यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ, OTR किया हुआ है, तो आप सीधे लॉगिन करेंगे और अप्लाई करेंगे फॉर्म को। अगर आपने नहीं किया है, पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आपको इससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कैसे करते हैं, उस पर आपको जो है आई बटन पर लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाएंगे। आशा करते हैं आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। ठीक, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन भी कर लिए हैं हम, सीधे माई डैशबोर्ड पर आते हैं। जब आप लॉगिन करके यहाँ पे आ जाएंगे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू, तो देखेंगे आप लाइव एग्ज़ामिनेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर्म, जो कि 26 जुलाई से चालू है और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2024 है। ठीक है, रात की 11 बजे तक लास्ट पेमेंट करने की है 18 अगस्त 2024। अब इसे अप्लाई करने के लिए नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पे बेसिक नोटिफिकेशन जो है नोटिस दी गई है, वो आप देख सकते हैं। फ़ोटो जैसे 6x2 का, अभी आपने से CMTS का या फिर CGL का फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा, सेम वही है। कुछ इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमने इस पर अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, फ़ोटो अपलोड करने पर, सिग्नेचर अपलोड करने पर। तो आप CGL या MTS का कोई का भी देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल फॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा नाम आ गया। बेसिक डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में किया था, सारा डिटेल आपका आ जाएगा। कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, सीधे आप नीचे आएंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर आएगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक, तो आप यहाँ पे आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम तो यहाँ पे 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं है तो सीधे आप 10+2 को रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको 10+2 रखना है, क्योंकि इसके लिए जो ज़रूरी है वो 10+2 ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पास्ट हैं या पेयरिंग, अगर आपने इंटर पास कर लिया तो पास, नहीं तो पेयरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। कब पास किया है आपको यहाँ मेंशन करना है, तो मेरा यहाँ पे 2013 में है। उसके बाद यहाँ पे आपको राज्य चूज करना है, कहाँ से आपने इंटर किया हुआ है। उसके बाद फिर आपको बोर्ड चूज करना है, तो UP बोर्ड में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन B से शुरू होता है, ये वाला है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये वाला बोर्ड है। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है 12th के, फिर यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। CGPA होता नहीं UP बोर्ड में, तो नहीं डालने की जरूरत, अगर आपको है तो आप डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोल परसेंटेज डालेंगे, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, नंबर आता है एडिशनल डिटेल का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, अगर आप सर्विस मैन हैं तो, या फिर आपने सर्विस जो है किया हुआ फोर्सेस में, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पे डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस वाले पे आप यस कर दीजिएगा। बाकी आप एज रजिस्ट्रेशन वाले में नो कर दिए, अगर आपका एज ओवर नहीं हुआ है तो, अगर हुआ है तो यस करके यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का, तो यहाँ पे आप चूज करेंगे जो भी नज़दीक सेंटर आपके, जैसे कि मेरे लखनऊ है तो मैं लखनऊ चूज करता हूँ पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम प्रयागराज चूज करेंगे। तीसरे नंबर पर हम कानपुर को चूज करेंगे, तो यहाँ पर कानपुर हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे फिजिकल लिमिटेशन राइट्स, यानी किसके कहने का मतलब है, किसी दूसरे को आप रखना चाहते हैं फिजिकल जो एग्जामिनेशन राइट करने के लिए, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। इधर तो ये पॉज नॉलेज ऑफ स्टोनोग्राफी, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। PDF ऑफ स्किल टेस्ट, यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, फिर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप CD या फिर दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर देंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सी में अप्लाई कर सकता है, कौन डी में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नंबर आता है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का। देखिए, फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको सीधे सामने देखना है, फेस जो है फुल्ली इनसाइड और रेड रेक्टेंगल एरिया, जब आप फ़ोटो खींचेंगे ऐप के थ्रू, ठीक, तो आपको वहाँ पर एक रेक्टेंगल एरिया दिखाई देगा, उसके अंदर आपको अपना फेस रखना है। कैंडिडेट शुड नॉट वेयर कैप, आपको जो है कैप नहीं पहन रखना है, या मास्क या ग्लास नहीं लगाना है, ठीक है, चश्मा नहीं पहन के रखना है। डू नॉट वेयर हेडफोन, आपको हेडफोन भी नहीं लगा के रखना है जब भी आप फोटो को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हम कैप्चा पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कंडीशन, और देख सकते हैं इस तरह से फ़ोटो यहाँ पे हमारे सामने एक लाइट, इसे बंद कर देते हैं,
यस, इस तरह से हम अब कैप्चा करेंगे। पीछे तो उससे ज़्यादा लाइट आ रहा है, इसको पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करके देखते हैं, तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, अब रिटर्न कर देंगे, पेज पे हम चले आएंगे और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फ़ोटो और साइन चेंज करेंगे। चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको आना है, वेबसाइट है, इसका नाम है imresizer.com, क्योंकि बाद में रह जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। imresizer.com इस पर आएंगे तो पहली बार में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक, और अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरे पास सिग्नेचर ये है। आपको इसका क्या करना है, विड्थ रखना है 2, यहाँ से कर देना सेंटीमीटर, हाइट रखना है 2, विड्थ रखना है 6 सेंटीमीटर, 2x6 सेंटीमीटर का आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए, 6 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 300 dpi होना चाहिए और 20 kb की यहाँ पर साइज़ होना चाहिए। तो साइज़ को यहाँ रखेंगे 20 kb, dpi रखेंगे 300 kb और हाइट रखेंगे 2 सेंटीमीटर और विड्थ रखेंगे 6 सेंटीमीटर। बस इतना करके ऊपर नेक्स्ट डाउनलोड आपको देखना है, दिख रहा होगा, यहाँ नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये रिसाइज होकर डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे हम अपलोड करके आपको दिखाते हैं कि अपलोड होता है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने लॉगआउट भी नहीं किया है और फ़ोटो हमारा अपलोड दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर हमने इससे पहले बनाया हुई है, तो क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे बनाया जाएगा, इस पर हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, ठीक, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्लियर फ़ोटो और सिग्नेचर हमारा आया हुआ है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाई, इसकी वेरीफिकेशन पेंडिंग, यानी हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी पेमेंट बाकी है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करके हम पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के लिए आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पे करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक बैंक चूज कर सकते हैं, जैसे कि UPI QR कोड या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। कैप्चा कोड आएगा, इस कैप्चा कोड को आपको क्या करना है, अपने फ़ोन पे या गूगल पे से कैप्चा कर लेना है। उसके बाद आप फिर से आएंगे माय एप्लीकेशन पे, ठीक, फिर यहाँ पे आपको अगर पेमेंट आपको सक्सेसफुल हो जाएगा तो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, जो जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। अगर पेमेंट आपका पेंडिंग है या फेल हो गया है तो मेक पेमेंट और वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर पेमेंट फेल हो गया तो वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा और प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो है एक ही प्रयास में पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे प्रिंट कर रखना चाहें तो रखें, नहीं सीधे यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और आपको देखना है, प्रिंट में जब भी आप प्रिंट निकालें तो एप्लीकेशन कंप्लीटेड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, ये चीज़ ज़रूर लिखा होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा, समझ लिया आपका एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट, तो ये चीज़ आपको स्टेटस में देख लेना है। तो दोस्तों आई होप हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपसे अच्छे से क्लियर की है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म किस तरह से फ़ोटो अपलोड किया जाएगा, किस तरह से सिग्नेचर रिसाइज किया जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर का हमने अलग से सेपरेट कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, SSC के, CGL, CSL, MTS, कोई भी आप देख लीजिएगा, सब में सेम प्रोसेस है। आप फ़ोटो ऐप के माध्यम से अपलोड करिए, बहुत आसान तरीके से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सिग्नेचर जो है वो imresizer के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाके करिए, हमने बताया हुआ है, हम कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उससे देख के जो है आप सिग्नेचर अपलोड करिए, आसानी से अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कोई सेपरेट वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को जो है वहाँ पे सॉल्व करा देंगे। फ़ोटो अपलोड करने में अगर दिक्कत आपको होती है तो थोड़ा सा दूर करके फ़ोटो को खींचिएगा, आसानी से फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।